गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु चरणा विच दूरों नेड़े चल करके श्रद्धा ते प्रेम दे नाल शाम दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। सतगुरां दी कृपा दे नाल इह पागां भरिया समां प्राप्त होया है। आओ इह सफला बनाइए। इतिहास के पावन प्रसंगा दे विचों आप जी ने सरवण किया। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी महाराज समुद्रां सागरां तो पार हुंदे हुए एक जंगल बियाबान विच जा बैठे भाई मरदाना जी ने नगर विच जाण दी आग्या मंगी। गुरु पातशाह जी ने रोकिया, दस दिता मरदानिया इत्थे हालात कौडे राक्षस तो भी माड़े ने। बड़ी देर तक सतगुरु दी हास रस करदे रहे भाई मरदाना जी नाल मखौल करते रहे। आखते चंगा मरदाने जे तेरा चित करता तू नगर विच जाया, जे कुछ हो गया तो असी आप बचा लांगे। भाई मरदाना जी कदे गुस्से च आ जाते, कदे लड़ पैंदे ने। आखन लग्या बाबा मैं आना ही मौत नहीं मरनी चाहूंगा, बेशक हुण तुसी मैनू वार वार भी आखो भुख लगे अग पर मैं नहीं जांदा। इन्ने अचनचेत पहाड़ां ते हलचल होनी शुरू हुई। यो राक्षसां दा इलाका है जिन्हां नूं आपां सूक्ष्म सृष्टियां कहिंदे आ। इस टापू ते कोई मनुख नहीं वसदा, भूतां प्रेतां दा घर। इन्हां सारे प्रसंगां नूं बड़े विस्थार सहित आप जी ने सरवण कीता है। आओ कुछ समां मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ, बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। देह छिन निकस्यो राक्षस राजा, महल नगर ते लिए समाजा। जदों भाई मरदाना जी सतगुरां दे पास बैठे आखदे ने पातशाह मैं हुण कदे भी इस नगर विच इस इलाके विच नहीं जावांगा। सतगुर मुस्करा रहे सन, अचनचेत हिलजुल होई। पहाड़ दी चोटी दा पत्थर धरती वल वधिया। गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे वेख मरदाने आ सामने की है। जदों वेखिया कोई राजा तुरे आउंदा उहदे पिछे उहदियां फौजां ने। इह राजा सी राक्षसां दा जिहदी फौज हजारां लखां दी गिणती दे विच राजे दे नाल चढ़ी आउंदी है। चढ़ियो अखेर बिरत के कारण संग बड़ो राक्षस दल दारुण।
इस राक्षस दे नाल राक्षसां दा दल है, सेना है, ये चले ने जंगलों के जीवों का शिकार कर, क्योंकि राक्षसां दा खाना मांस है, शराब है, ये बंदियां दा भोजन नहीं है मांस ते शराब राक्षसां। हुण इस भोजन की उपलब्धि वास्ते राजा शिकार खेडण वास्ते अपनी फौज नूं लैके चलिया है, जो तांडव करती आ रही है। ये कोई देवते ते नहीं, चंगे भले मनुख ते नहीं हन, जो शांत तरीके नाल तुरे आउणगे, जिहड़े है ही राक्षस। कहिंदी उच्ची उच्ची रौला पाउंदे आ, भयानक आवाजां ने शोर मचाया हो, पर एक तो एक कहिंदे ज्यों ज्यों पहाड़ वल वेखदे आ ते उह हजारां दी गिणती विच, लखां दी गिणती विच राक्षसां दा टिड्डी दल चढ़िया आउंदा ए। लाख सपत दस देह उतंगा, वड करूप जन बेचक रंगा। जिन्ना राक्षसां दे रूप बिल्कुल काले ते विकराल हन, बिल्कुल काले, काले जिहे वाल, कालियां शगलां, सिर तो पैरां तक जिन्हां दा रंग अल्फ काला है, उच्चे लंबे कद पहाड़ां जिड्डे, एक नहीं कहिंदे एक तो एक बदसूरत राक्षस, एक तो एक बदसूरत, एक हुंदी सोहणी सूरत, एक हुंदा बदसूरत, माड़े तो माड़ा दिना भैड़ा चेहरा किसे दा सोच लो उह तो वध भैड़ा। कहिंदे इन्हां दे मूंह दे विच अग वरदी है, भयानक रूप हन, कठोर बोली है, जिस वेले ये चले नेड़े आए ने इदा लगता जिवें कि बदलों की काली घटा चढ़ के आई हो। हुण इन्हां दे दंद इदा महसूस हुंदा ए, कालियां घटावां विच चिट्टे बगले हुंदे हो, वड्डे वड्डे दंद, क्योंकि मांस खाण वाले राक्षस ते मांस खाण वाले जीव उन्हां दे दंद तिखे ते नुकीले हुंदे आ। कदे नोट करे, बिल्ली मांस खांदी है, दंद नुकीले, मझ गां मांस नहीं खांदी, उहदे दंद बंदियां वांग पतले स्टेबल। शेर चीता बघियाड़ शिकारी कुत्ते इन्हां दे दंदां दी बणतर सेम होएगी, क्योंकि रब ने मांस खाण वास्ते बनाए होए। दूजी गल, मांस खाण वाले लप लप करके पानी पीते, ठीक लागे नहीं, कदे बिल्ली नूं पानी पीते वेखियो, जीव नाल पानी पीओ, कदे शेर नूं बघियाड़ नूं चीते नूं पानी पीते वेखियो, जीव नाल पीणगी, क्योंकि वह मांस खाण वाले आ। रब ने उन्हां दी बणतर उहो जी बनाई होई है। गां मज बकरी घा खांदियां, इन्हां दे पानी पीण दा तरीका वेखो, ये बंदे वांग पानी डीक ला के पीते, बाल्टी रख दे खाली कर देंगे, एक बार च पीना, ते मनुख लप लप करके पानी नहीं पीता, क्योंकि परमात्मा ने इनू शाकाहारी बनाया। वो अलग गल है, बंदा बंदा नहीं रहा, बंदा राक्षसां वाली बिरती विच आ गया है, पर इहदे दंद मांस खाण वाले नहीं, इहदियां अंतरियां, इहदा लीवर मेदा मांस नूं पचाउण दी समर्था नहीं रखता। इसे करके अज दुनिया ते 90% रोग हन, क्योंकि मनुख का खाना पीना चंगा नहीं है राक्षसां। हुण जिस वेले कहिंदे दंद वेखी उन्हां दे नुकीले, जिन्हां दी आवाज़ भारी है, गर्जनी है, मांस खाण वालियां दी आवाज़ हमेशा भारी अते गर्जवी हुंदी है। कोई बंदा मांस खाण लग जाए उहदी आवाज़ वेख लिओ, कोई औरत मांस खाण लग जाए, शराब पीण लग जाए, उहदी आवाज़ वेख लिओ, उहदी बोली दा स्टाइल वेख लिओ, सब कुछ बदल जाए। जिस वेले ये राक्षस बड़े भयानक दौर दे विच गुजर रहे ने, उच्ची उच्ची चीका मारदे ने, इन्हां दा राजा अगे तुरे आउंदा है, पिछे पिछे राक्षस, पर इन्हां दी नज़र अजे तक सतगुरां ते नहीं पई। सुभाव की अपने वल्लों तांडव करदे आउंदे आ, पर भाई मरदाना जी ने वेखिया, वेख के हक्के बक्के रह गए। नासा करन रूप से जिनके लोचन श्रोणत ससे दिन के, अखां जिन्हां दियां लाल, नक इन्ने वड्डे, मन लो जिवें धरती ते खूह बणे होण, डूंघियां नस, बदसूरत चेहरे, बदसूरत शकलां ने,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਖੂਹ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਲੋਹਿਤ ਵਰਣ ਵਿਸਾਲੇ ਬਾਲਾ, ਪਹਿਰੇ ਗਲ ਮਹਿਡਨ ਮਾਲਾ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਰਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਭਗਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਮੁਰਝਾਏ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਮਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਜੋ ਨਿਕਟ ਗਿਰ, ਇਸ ਤੇ ਉਰਦ ਥਾਨ, ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖਤ ਪਯੋ ਨਿਕਸੇ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਾਨ। ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਬਤ ਜੋ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਏਦਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਭਿਆਨਕ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਪੀਤ ਪਯੋ ਕੰਪਤ ਸਰਬੰਗਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੈ ਨਿਸੰਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਏ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਚਾ ਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਚਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਰਾਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਕੁਥਾਏ ਆਏ ਕਰ ਅਭੀ, ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰ ਨਾ ਕਭੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਬਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਡਰੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਡਰ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਰ ਆ ਇੱਕ ਹੌਂਸਲਾ, ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਡਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਡਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਅੱਧੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਡਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਮਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਾ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਢਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਓਗੇ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਦਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਡਰਨਾ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਾਕਸ਼ ਇਹ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਚਬਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਬਤਾਵੇ ਕਰੋ ਉਪ
पाव जे कोरे राखच है खै हैं आन कर निश्चय मिलत अब होए। भाई बाला जी अडोल बैठे रहे कहते हैं गुरु अंगद देव महाराज मैं ना डोलिया क्योंकि गुरु साहब ते मैनु बड़ा वड्डा भरोसा है। भाई मरदाना मर जाके हाथ जोड़ के कहिंदा सच्चे पातशाह कोई यतन करो कोई उपा करो ये बलावा सानू जिउंदिया मार देणगियां जे आप ही मर गए तो फिर साडी कादी यात्रा कादी उदासी साडी जे इत्थे भोग पै गया। चौपाई ज्यों ज्यों राकश टिक चल आवे त्यों मरदाना सुख ज्यो जावे। भाई बाला जी आखन लगे सतगुरु जी कहते जिवे जिवे राक्षस नेड़े आई जान उन्होंने पहाड़ टप लिया जिहड़ा सामने दिसदा सी हुण पहाड़ दे हेठां उतराई वाला पासा जो इस पहाड़ नूं चढ़दा कहते उहदे नेड़े आ गए। जदों उस घाट कोले आए ना भाई मरदाना सुंगड़ के थोड़ा जिहा हो गया गुरु नानक साहब जी ते भाई बाला जी दे विच विचकार बह गया अखां कर लिया कबूतर वांगू बंद कहिंदा बाबा मैनूं डर लगदा कबूतर दा इक सुभाअ है उहदे अखां सामने बिल्ली आ जाए उहनूं पता वी उड्डिया ते जाणा है अखां बंद कर लई उहदे मन दा इक वहम है वी शायद अखां बंद कीतिआं खतरा टल जाऊगा पर नहीं झपट च छेती आ जांदा है दुनिया उत्ते भीड़ बनदी आ असीं अखां बंद कर लैंदे आ शायद असीं बच जांगे किसी नाल हुई साढ़े नाल फिर बाणी लिखती कहते पारोसी के जो हुआ तू अपने की जान जो तेरे गवांडी नाल होया तेरे मित्रां नाल होया एक दिन तेरे घर भी होना है तू क्यों डरता है बेपरवाह हो सच नूं कबूल कर लै। गुरु नानक साहिब महाराज ने वेखिया भाई मरदाना सतगुरु कहिंदे मरदाना डरी क्यों जांदा है क्यों कट्ठा होना है भागन चहे ना उठ तब सकई हम नह देखें इत उत तकई। भाई बाला जी कहिंदे असी ते आसे पासे वेखिया ही ना असी राक्षस ही ना देखी तुसी खतरे नूं जिन्ना वेखी जाओगे जिन्ना बाची जाओगे उन्ना खतरा खतरनाक होएगा। है तो थोड़े लिए कोई काम बड़ा डिफिकल्ट है बड़ा औखा है पर इन्ने औखे भी काम नहीं होते जिन्हें असी सोच सोच के बना लेंगे बड़ा कुछ। किसी ने गड्डी चलाउणी सीखनी सी उन्हें सोच सोच के इन्नी औखी गल ली पहला गेयर क्लच छड़दा बंद हो जाता स्टार्ट ही नहीं होती। किसी ने कोई काम होर सीखना चाहिया उन्हें अपने दिमाग से बिठा लिया भी मैं कर ही नहीं सकता होंगे ही नहीं क्योंकि दिमाग ने उन्नी पहेली पा के उलझा दिता है। भाई बाला जी कहते असी तो उन्होंने वाल वेखिया ना एक बार वेख के आसा पासा वेख लिया भी जो आऊ बुला वेखांगे पर भाई मरदाना जिन्ना डरता है कहते अखां बंद कर लैंदा खोल लैंदा वेख लैंदा है कहता बाबा भज चलीए। गुरु साहब हस के कहते कितों तक भजन मरदानिया इन्हें सानू भजन देना ही नहीं इस बिद देखियो दया अवासा कै खंडन हित बचन प्रकाशा। गुरु नानक साहब अगे तरले करे मिन्नता करे कहिंदा बाबा जिवें मैनूं घरों लैके आए सी उवें बचा दिओ मेरे परिवार ने जिम्मेवारी तुहानूं दे के भेजिआ सी वी जिवें लैके चलिओ उवें छड्ड दिओ मैनूं पता जिहड़े हिसाब नाल लिया के तुसीं इत्थे सानूं फसा दित्ता ना इत्थे ते बंदा कोई नहीं कौन छडाऊगा किहड़े राजे नूं जाके हाथ जोड़ के कहांगे वी साडी लाज रख लै। मतलब डर एडा भारू हो गया हुण डर है जिहड़ा डरन लग गया उह रात दे नेरिआं तों डरी जांदा जिहने उस डर नूं खत्म करता उहनूं शमशान च पा दिओ कहिंदा लै नींद ही बड़ी सोहणी आई है इह ते तुहाडे मन दा घाउ है। जिन्ना जिन्ना सोची जाओगे जिन्ना जिन्ना डीप जाओगे उन्ने गहरे उस दलदल में धसते जाओगे किसी को चंगा समझी चलो उन्ना ही चंगा लगी जाओ किसी को बुरा समझ लग जाओ वो साड़ी सोच तो परे सानू बुरा लगू उदी छित मारी उदा हसना उदा बोलना बुरा लगू ते कोई किन्ना भी खतरनाक होवे बंदा सुभा करके जो सानू चंगा लगन लग जाए उदा सुभा बुरा ही लोग कहते यार उहदे कोल ते बहन तो डर लगता तू कि बुला लगे पर एक इंसान ऐसा जिहड़ा है चंगा सी उहदे बारे बुरा सोचिया गुस्से वाला सोचिया कहिंदे डर डर के इंसान होर घबरा गया उहदे लई होर बुरा हो गया। हुण इन्हां राक्षसां ने ते अजे तक ना कोई वार कीता ना नेड़े आके कोई आवाज मारी पर भाई मरदाना जी अपने खौफ नाल होर डर गए मन ने डर पैदा करता इसे करके बाणी लिखती है
डर डर डरना मन का शोर। कहते बाहर के डर तुहाडा कुछ नहीं कर सकते, पर मन इन्ना क डरा दिंदा है अपने आप नूं, अपने आप दे वैरी है, इन्ना डरा दिंदा है भी शरीर कंबन लग जाता है, मन बेचैन हो जाता है, तो बाद विच हौसला भी आप ही करते, चल मना मरी जावे हो मन। गुरु नानक साहब महाराज कहते मरदाने इन्ना डरते नहीं होंगे, हौसला रख वो तैनू कौन मार सकता है, कहता पातशाह मैनू नहीं आप सारे मारन गया, एडे एडे राक्षस एडिया फौजा तुरिया आदियां सानू छड़न गिया, संघने जंगलों में बैठे हाँ इतने भजे ना जाना नहीं। मरदाने उर धीरज धरिए श्री प्रभु को मुख नाम उचरिए। गुरु नानक साहब जिया ने भाई मरदाना जी के सीस उते हाथ रख के आख्या मरदानिया डरना रसना तो बोल वाहिगुरु आखो सतनाम। कहते डरे हुए भाई मरदाने के मुख तो वाहिगुरु ना निकले, आवाज कंब रही है, गल सुकिया हो भुख तो ते पहले ही दुखी सी, आखिरकार उन्हें रसना तो वाहिगुरु आख्या। कहते ज्यों ज्यों वाहिगुरु 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 बोले त्यों त्यों डर घटदा जाए। सतगुर कहते तमाशा वेख उस करतार करते दा, भाई डर कहदा है, जिस रब ने मैनू बनाया उस ने राक्षस बनाए फिर कहदा डर है, जो बनाउण वाला क्रिएटर एको ही है, यही तो समझ वाली गल्ला। हुण सानू कोई आके जी तैनू फलानी चीज़ तो डर नहीं लगता, तो रब का प्यारा क्यों नहीं डरता, वह कहता जिन्हें आरा बनाया है, जिन्हें आरा बनाने वाला मनुख बनाया है उसे ने मैनू साधिया, जिन्हें तत्ती तवी बनाई जिन्हें तवी नू बनाया, पर तवी बनाने वाले नू जिन्हें बनाया मैनू भी उसे ने साधिया, जिन्हें जलाद पैदा किया मैनू पैदा उसे ने फिर डरता, वो डर नडर होके जी जाईदा। गुरु नानक साहब मर्द कहते मरदाने डर क्यों रखता है, एक खौफ छड़ जद तक तू इन्हों का माड़ा नहीं करता उदों तक ये तेरा बुरा नहीं करता। सतनाम बंदा किसे तो नहीं डरता, कदों डरता है, हर इंसान अपने पापा तो अपनिया चोरिया तो डरता है। मत भलेखा रखो सानू किसी का डर है सुभाविक तौर पर, पुलिस का डर कि माड़े काम कर, इनकम टैक्स का डर किनू है जिहड़ा फेर फेर कर, उसे सरकार का डर किनू है जिन्हें दो नंबर का धंधा करना है, जिहड़ा साध बंदा है उन्हूं डर है, साइकल वाला बंदा रोड क्रॉस करता उन्हूं की डर है, कहिंदा साइकल रख लैणगे बस तों बाद, पर गड्डी वाला खड़ा है कहिंदा जे एक स्टैप अगे भी गया परची हाथ पड़ा देनी उन्हां वी इन्हें भर के फिर अगे जाई, कितने ना कितने डर है भी जे मैं गड्डी अगे की ये जैबरा क्रॉसिंग पार की थी तो मैं इन्ना फाइन कर, डर अपने मन का अपनी चोरी का, साध बंदा सही बंदा उन्हें डर है, उसे अदालत में भी जाके कह दिता जी मेरी अखा सामने ये होया मैं कोई डर नहीं, तो डरपोक बंदा जिन्हों अपने पाप खाते हो धर्म की गल करके भी कहता मैं सिक्योरिटी दे दौ मैं खतरा है, पाप नाम धर्म का। गुरु नानक साहब महाराज कहते मरदाने तैनू राक्षसा ने कुछ नहीं किया अजे तक, तू वाहिगुरु रसना तो जप तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। निरभय होवै कर देख तमाशा यों कह दूषण ते सुख रसा। भाई मरदाना जी दे सीस तो हाथ सतगुरां ने चुकिया, हस के कहिंदे मरदाने आ नडर हो के तमाशा देख, तमाशा बनना देख, दो चीज़ां ने जी, तमाशा खेडण वाला होर हुंदा ते तमाशा वेखण वाला होर हुंदा, ते तमाशा आपां वेखण चलीए ते आपां डरे होईए ते माड़ी गल, डर ते उहनूं है जिहड़ा तमाशा करदा वी कितें अख मूँह च तलवार ना लग जाए कितें मेरा परदा फाश ना हो जाए, ते देखण वाले नूं कहदा डर है उहनूं ते खुश होना चाहीदा। सतगुर कहिंदे मरदाने आ रंग करतार दे वेख वेखी चल ए तमाशा, तूं क्यों डरी जांदा है, जिस दिन मौत ने आना आना उस दिन आखो सतनाम, पहला नहीं आ सकता, तो जे मरना लिखा हो तो बचा भी कोई नहीं सकता। आ दो गल्लां जिहदे पल्ले ने ना दुनिया ते उहनूं ना कोई मार सकता ना कोई डरा सकता, जिन्हें असी कर्म कांड करते हैं पखंड करते हैं मत्थे टेकते फिरते दरख्तों नूं पत्थरों नूं कादों फमणियां बन्नियां लोगों ने पौना पौना किलो हत्थां ते कादियां ने, ये डर दियां निशानियां।
जिन्ना जिन्ना बंदा डरी जाता है उन्नी उन्नी वह भरम करी जाता, मेरा आ नुकसान ना हो जाए, मेरे टब्बर नूं आ ना हो जाए, फलानी थां आ ना हो जाए, डर ही है ना। पर जिन्हों मौत का डर नहीं उन्होंने इन्होंने चीज़ों का की डर है, उन्होंने किसी खतरे का की डर है। स्पष्ट की जिंदगी है, स्पष्ट की बात है, माड़ा किया नहीं तो साडा माड़ा क्यों हो। असी जे किसी का चंगा नहीं किया तो सानू डर है भी मेरा वह भी बुरा कर सकता, मेरा वह भी बुरा कर सकता, ते तेरे कर्मा का दोष है जो लिखे हो तो डाल नहीं सकता। सतगुरु कहते मरदानिया तेन कोई नहीं मार सकता, निरंकार तेरे नाल है परमात्मा, तू बस तमाशा वेख। जे तू डरेगा ना तमाशा फिर करा हो जाएगा, ये फिर आनंद नहीं आना। दिन मैं तो जूरा कचराऊ हमको देख कयो हर खाऊ। जदों कहते सतगुरां ने भाई मरदाना जी ने वचन आखे तो भाई मरदाना पता की कहता, कहता बाबा राक्षसा दा राजा मैनू घूर घूर वेखदा। गुरु साहब कहते मरदानिया तेनू कल्ले नू नहीं वेखदा, आप सारे नू ही वेखदा। फर्क कहना हूँ डर है ना भाई मरदाने के अंदर, उन्होंने उहदियां नज़रां डराउंदियां ने, बाबा ये हुण सानू नहीं छड्डदा, ये आऊ इस पासे। पातशाह कहते तू ना डर हो जा, वेख बाला भी तो बैठा तेरे नाल, ये तो डरदा नहीं, पर महाराज वो सानू वेख के हसदा है। लै यार हुण अगला हसे भी ना, डरिया होया बंदा तो दूजे के हादसों तो भी डरी जाता भी ये हसदा कोई गल है, ये दो बंदे खड़े आ साडी गल करदे हो क्यों भाई, जे तेरे अंदर पाप आ तेनू तां डर है, जरूरी थोड़ी है भी सारी दुनिया को तेरिया ही गल्लां ने। कोई किसी की गल नहीं करता, किसी ने किसी तो की, सिर्फ बंदे नू बंदे दा डर सता ही जाता है। भाई मरदाना कहिंदा बाबा जी अपने बारे गल्लां करदे उहने आपां नू वेख लिया, अज साडी मौत पक्की है। निज सेना संग बोलियो बानी हिंसा में जे चाहे मानी। हुण उस राक्षस दीआं आवाज़ां सुणदीआं पर समझ कुछ नहीं आउंदा, उहने इशारा कीता गुरु नानक साहिब वाल हथ करके, राक्षसां दे राजे ने अपनी सेना नू कहिंदा ए आपां की करन आए आ, कहिंदे जनाब शिकार खेडण, कहिंदा लै फिर शिकार करी। मरदाना कहिंदा बाबा जी उंगलां करदा अपने वल, नुकसान करू अपना, वह हसदा भी है, वो नाल जिन्ने राक्षस ने भयानक रूप वाले वह गुस्से चाहे हुए ने, जे अपने पिछे लग गए तो आप की। भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब से भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, सब कुछ है ये माया गुरु नानक जी की आप पाई हुई है। जे माया ना पवे तो किसी का उधार कित खेड़ वरदाई ना गुरु साहब। मर्द ने फिर थापना दिता, कहते मरदाने आते रहन दे, तू क्यों चिंता कर दे, क्योंकि डर भाई मरदाना जी को लगता वो पहला बीतिया तोड़े राक्षस वाला सीन तपते कढ़ाई तो सुट लिया गए, उत्ते गुरु साहब ने बचा लिया दस कर, पर इतने तो हजारा राक्षस तुरे फिरते हैं। कहते राक्षसां दे राजे ने इशारा किया दूरों अपने सिपाहियों को कमांड दिता है, जो उभरे दी है वी आओ सामने शिकार बैठे उन्हाते हमला कर दियो। चिरंकाल मैं पलो शिकारा मानुख आमिख बना अहारा। पर तीनों ही ब्रह्म ज्ञानी ने भाई बाला जी भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब महाराज कहते राक्षसां दी बोली समझ आउंदी है, कहते बड़े साल हो गए मनुखां दा मास नहीं खादा, मनुखां दा खून नहीं पीता। राक्षस कहिंदे उहनूं आ जी जिहड़ा मनुखां दा घाण करे मनुखता का गान करे, कहिंदे उह सामने तीन बंदे बैठे आ, तीन मनुख बैठे आ, अज अपनी चंगी हो जाए भरपूर हो जाए, अज जे तीन सानू प्राप्त हो गए साडा खाजा साडा भोजन बनेगा, इन्हां दीआं आंतरियां चूसांगे, मास दीआं बोटियां खावांगे, हसां खेडांगे। कहिंदे जदों राजे ने इशारा कीता ते कई तैयार हो गए, ताकूए जो लैके गडासे जी फड़े उन्होंने हथा, कहते राजे मैं जावा, दूजा कहे मैं जावा। हुण ये सीन दूरों दिसदा है ते भाई मरदाना घबरा गया, कहिंदा बाबा आ गर्दन बहुती देर नाल नहीं रहनी, गाटा लाउणगे, ये ते इशारा करता उन्हें बस चढ़ के आ जाणगे, तुहानू ते फर्क कोई नहीं पैना, मेरा ते परिवार चेते करू पिछे मर्ज मैं आना हुई मौत नहीं मरनी चाहता जी, मैं कहना मेरी कबर मेरे घर के नेड़े बने, मेरे परिवार बच्चे आन फुल चढ़ा के जान, याद करके जान अपने अपने, चिंता बड़ी है
ਮੋਹ ਪਾਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ, ਸਿਰਫ ਮਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਕਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਸਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਏ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਸਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕੋਈ, ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਏ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਏ, ਮਹਿੰਗਾ ਏ ਜਾਂ ਸਸਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰਸ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਏ, ਮੇਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਨਿਆਰ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਮ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕਾਢ ਕੱਢਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸੇ ਹੱਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਏ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੱਲੀਏ। ਗਿਰ ਕੇ ਤਰ ਤੀਨੋ ਨਰ ਬੈਸੇ, ਜਾਏ ਕਹੋ ਭਾਗੈ ਨਹਿ ਜੈਸੇ। ਪਰ ਰਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਰਾਕਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਤਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੁਣ ਕਰ ਨਿਜ ਭੂਪਤ ਕੇ ਬਹਿਨਾ, ਤ੍ਰੈ ਰਾਖਸ਼ ਆਏ ਤਜ ਸੈਨਾ। ਤਿੰਨ ਰਾਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ, ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਾੜ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕੁਛ ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਸੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਮਰਦ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਛਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਹੁਣ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਮੈਥੋਂ ਤੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਹ ਵੈਸੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ, ਜਬ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆਨ ਸਮੀਪਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਿਲਰ ਗਏ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਏ, ਤੇਹ ਚਿਨ ਅੰਧ ਭੈ ਮਤ ਮੂੜੇ, ਚਲਨ ਪੰਥ ਨਹਿ ਪਾਵੈ ਢੂੰਡੇ। ਇਕਦਮ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਰਾਕਸ਼ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੋਲ ਨਾ, ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੇਖ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆ, ਵੇਖ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਆਏ ਕਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਆਏ ਕਰੂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਤ ਉਤ ਵਿਚਰਤ ਸੂਝਤ ਨਾਹੀਂ,
तिनको देख प्रभु बिखसाही। जदों कहिंदे ओह आले दुआले सजे खब्बे पिछे वेखदे सारा कुछ साफ दिसदा है, सामने पहाड़ी ते बैठे दरवेश नजर नहीं आते, कहिंदे ओह आपस च लड़ी जांदे एक दूजे नाल, ओह कहिंदा मैनू नहीं दिसदा, ओह कहिंदा मैनू कहड़ा दिखदा है, ते गुरु बाबा दी ताड़ी मार के हस पे कहिंदे वेख मरदानिया रंग करदार दे अख सतनाम वेख इहनां। ते हुण भाई मरदानी नूं चंगा जिहा लगण लग गया क्योंकि डर खतम। जे डर होवे ना जी कदे सुभाविक वेख्यो, बड़ी बार घरां 'च इहो जिहियां घटनावां हुंदियां, बंदा कई बार डरिया हुंदा है, मैं कहिंदा दाल विच लूण मिर्च नहीं पता, चाह फिक्की लगी जाती, डरिया ना सेंस काम करन नूं लगदा, मिठा है फिक्का है कौड़ा है स्वाद है कुसैड़ा है कुछ भी समझ नहीं आता ना, फिर उस वेले ना रंग भी जड़े ने ब्लाइंड हो जाते, कलर ब्लाइंड हो जाता बंदा डरिया होया, अखा सामने जिन्ने मर्जी सोहने रंग हो फिके लगन लग जाते, ब्लैक एंड वाइट लगन लग जाते। गुरु नानक साहब महाराज कहते मरदाने ये अन्ने हो गए ने तेरे करीब आ नहीं सकते, हट जब गमने पाचल ओरा दीसन लग्यो तबे दिन थोरा। बड़ा मुशक्कत कीता जोर लाया सामने दिसदा कुछ नहीं, आखिरकार शर्मिंदे जो के पिछे मुड़न लगे तो साफ दिसदा है, सामने तो बिल्कुल ब्लर हो जाता जी, जिवें अखां नहीं आ रही बिल्कुल धुंधला, दरवेश तेन बैठे नजर नहीं आते, पिछे वेखते कहते अखां ते ठीक नहीं इधर क्यों दिसदा, राक्षसां दी समझ तो बाहर है क्योंकि है ही राक्षस, वो समझ सकते हैं तुसी मनमुख बंदे कोल बह के रब दियां गल्लां कर लो, वाहिगुरु इदां हुंदा ए परमात्मा एक है, क्योंकि उहदी सुरत विच रब ने अपना किणका रखिया ही नहीं, तुहाडियां गल्लां दा असर ही नहीं होणा। ते गुरमुख बंदे कोल बह के मनमुखां दियां गल्लां करो, कहिंदा यार मैं नहीं सुननियां छड्ड मेरा समां ना खराब कर मैं बंद कीता, उहदे दिमाग 'च उह गल्लां नहीं पैंदियां, हर बंदा अपने हिसाब दा ना। हुण राक्षस की नूं कहिंदे आ, जे राक्षसां कोल ज्ञान हुंदा समझ हुंदी रौला कहदा सी, वह सिर्फ खाना पीना जानते हैं, राक्षसों को कहें खावे पीवे सौदे, कुंभकर्ण बारे तुम सारे जानते हो मेरे तो बद जा, मेघनाथ गाओ कल का दिन कहड़ा आ रहा है, मशहूर कहते करके जे रोटियां पाड़ दी तो छे छे महीने कुंभकर्ण उठता नहीं सी, खाना पीना काम अज साडे परिवार च कई बच्चे होंगे है, चलो आप बच्चे ही हाँ, उन्होंने रात को लेट 12-1 बजे सौना है, सारा दिन बकरे वागू चली जा, जो जी किया 11-12 बजे उठ के नहाना है, हूँ कहते मैं कम चले हाँ फलाने की मिलने चले हाँ, तो मापे कहते पुत तू बंदा है करा तेरा सौना बंदियां वाला नहीं, तेरा खाना पीना बंदियां वाला नहीं, तेरा उठना बहना बंदियां वाला नहीं, राक्षस नहीं थी उठी बंदियां लई रात सौन लई तेरे जाग ते राक्षसां लई राक्षस रातां नूं जागदे आ तेरे सुते रहिंदे आ प्रसाद नाम ये बिरती है। चंडी की वार पढ़ दो राक्षस कौन ने की करते पता लग गया, भूत प्रेत की नूं कहिंदे ज़्यादातर अपने एक अखाण चलता ना कहिंदे रातां नूं भूत जागदे आ, ते मैं कहना जिहड़े मर्जी शहर च जाके वेखो भूत कला कला कमरे च बैठा लाइटां जगदे पर मेरे कमरे वाले पास इधर भी जागदे, भूतां दा की है, भूत हर वेले जागदे आ दिने सोते दीन दुनिया के मालिक सतगुरु कहिंदे वेख मरदाने राक्षसां नूं तूं अन्नियां करता, कहिंदा है बाबा सच गुजर नहीं हो गए, वह बेचारे फिर पिछे नूं मुड़ के चल पे कहिंदे चलो राजे नूं दस आउणे आ भी उत्थे ते जाए नहीं जांदा, वह पहाड़ी चढ़िया जांदा नहीं, जाए भूत सो बात सुनाई जब हम निकट गए ते थाई, अपने राजे कोले आए चल के जिहड़ा भूतां दा सरदार राक्षस है, कहिंदे राजन जदों असी उन्हां तीन शिकारां कोल गए, वो ये नहीं कहिंदे साधु ने पतंदर दे शिकार ही दसदे क्योंकि राक्षस ने ना, कहिंदे जदों असी अपने शिकारां कोल गए ना दिसदे नहीं सन अन्ने हो जांदे, भूतां दा सरदार वो कित्थे सुनूंगा, राक्षस बिरती जिहड़ी सुन सकदा जी, हरनाक्ष नूं राक्षस कहिंदे सी कदे अपने पुत दी सुनी उहने, रावण नूं लोकी राक्षस बिरती मनदे सी कदे उहने किसे देवते ते तरस कीता, मतलब ये नहीं है जिन्ना मर्जी रावण विद्वान सी कल का दिन दुशहरे का जिन्ना मर्जी सियाना सी चार वेदां दा ज्ञाता है राक्षस इसे करके कहिंदे सी वो किसी की भगती नूं भगती नहीं सी समझदा, सतनाम पैदा सी राम की चीज है हनुमान की चीज है बंदर सैना की चीज है, लिखा सी ना भी मैं पढ़िया
मैं सियाणा राक्षस की होमे हुंदी है। ये गुण राक्षसां तो आया है, तो राक्षसां का खाना मांस अते पीना शराब है, कपड़े उन्होंने केहो जे हुंदे, आदत नंगे रहना राक्षसां की मिलती है। आ कलयुग का जमाना है, शाम को 7 बजे तो बाहर जाके वेखो दुनिया का हाल की राक्षस ही राक्षस हूँ। पंजाब पंजाब नहीं लगता, यह भी वैनकूवर बनया। इन्ने माड़े हालात लोगों के हो गए, हुण ते रब नू भी शर्म आ जाती, नेरा कर दिंदा भी ये बेचारे अद्धे कपड़े पाई फिर तू ही नेरा करना, ये बेचारे इदा दे गया। इन्ना कलयुग साडे परिवारां विच आ गया, होर बोल के वेख लो हर चीज़ उत्ते नंगेज़ वाह राक्षस वृत्ति है साढ़े को नहीं, बस रब के घर बचे आ उत्थे आके जे कोई भगती कर लैंदा तो शांति मिल जाती, वरना तो आवाई उत्ते आ। दुनिया की हालत इतनी माड़ी है, अगे तो कितने कितने राक्षसों की गल हों सुन तो घर घर राक्षस ने, ये तो गुरु साहब कहते बाणी आप थोड़ी कहते हैं। कली अंदर नानका जिन्ना का अवतार, पुत जरूरा धी जरूरी जरूर। सतगुरु कहते कलयुग के जिन भूत जमया करे घर सिकदार कौन है मालिक, कहते इन्हों जिन्ना भूतों का सरदार कौन होया उन्होंने मां जरूर जिन्ना दस, तो जिंदी माँ यो जी होगी धी पुत तो औलाद माँ की रानी है, गुण वो को आवगे ना। गुरु साहब कहते वेख मरदाने वो गल कर रहे हैं अपने सरदार को जाके, कहें असं अन्ने होंने उन्हें कुछ नहीं सुनिया, कहता पिछे हो जो उन्हें नवे दिन राक्षस बुला विश्वास नहीं ना कर, कहता तुसी जाओ तुसी फड़ के लै गया। राक्षस व्यक्ति को कदे समझौता नहीं होंदा, क्योंकि सिर्फ पल्ले होमे होंदी है। देख रहे तब नहीं दिसने, हट आए चल मन बिस्माने। दूजी बार राक्षसां दा ग्रुप तिन्नां दा गया, वह भी नेड़े आके वापस मुड़े आए, कहिंदे दिखदा सानू ही अन्ने ही होए करदे, नेड़े जांदे आ कुछ दिसदा नहीं, सज्जे खब्बे दिखदे सारे, ओह कहिंदा मेरी फौज गिणो, कहिंदे दिसदी सारी, रुख दिसदे आ, कहिंदा ओह मैनू फकीर सामने दिसदे, कहिंदे इत्थों ते सानू भी दिसदे आ, जो नेड़े फड़न जाने कोई नजर ही नहीं आता, उथे ते पहाड़ नहीं दिसदा। राक्षस राए कहे रिस बैना, कहां जाए क्या पात तुम नैना। राक्षसां दा राजा जो तीजी टीम उन्हें भेजी ना, तीन बंदे आदि 9 बंदे हो गए डुड़, तीन पहला तीन फेर टुट के पै गया उन्होंने, कहता सजा ये मौत दे देंगा तुहानू मैं, क्योंकि हंकारी बंदा ना सुन का आदि नहीं होगा। वो कहता यस मैन, तुसी मैं जो क्या हाँ करो, होवे ना होवे का मेरे सामने गलत नहीं बोलना, वद गल नहीं करनी। राक्षस करती राक्षस टुट के पै गया उन्होंने, कहता जाओ दोबारा मैनू नहीं पता ज्यौदे जा मुरदे उन्होंने तिने मनुखा लैके आओ, मैं गल नहीं सुन रहा। कहते टुट टुट के अपनी फौज में पवे, कहते तीन बंदे होर बुला लए, उन्होंने फिर भेजे आए। लेन पठे तीनों पुन औरी, चल कर आए तूरन दौरी। एक काले काले जे चल के फिर आ गए नेड़े। हुण इन्हां दे राक्षसां दे गुरु दा नाम की राजे दा, उहदा नाम है राक्षस देवलूत। जदों ने भेजे ना ये तीन भी जो नेड़े आ गए, ये 4 कदम अगे होर वध गए उन्होंने पहलिया नालों, नेड़े आ के अन्ने हो गए, दिसदा कुछ नहीं है। बड़ी कोशिश की, बड़ा जतन किया, नेड़े जाइए मंत्र पढ़े अपने जड़े होंगे ना, उतो फिर वापस हो गए। कहते राजन पता नहीं कोई करामात वरत रही है, दूरों सानू नजर आते ने, जद असी उन्होंने पास जाने वो मनुख नजर आते नहीं। रिथ मैं ज्यों अंधे सो पे, हट कर निरपत निकट तब गए। पहलिया वांगू इन्हां दी भी हालत उही रही, 5वीं टीम गई, 6वीं टीम गई, 7वीं भेज दी। राक्षस बड़ा दुखी है भी 3 बंदे मैनू दिसदे आ, इन्हां नूं क्यों नहीं दिसदे। वह कहते जनाब तुसीं आप जाके वेख लो, नजर नहीं आते, दूरों दिसदे आ, जाते असी इस पहाड़ी नूं चढ़दे आ उन्होंने करीब जाने, वह दरख्त दे दिसदा है पर दरख्त थले बैठिया 3 रूहां सानू नज़र नहीं आउंदियां, उत्थे ते झूला पैंदा नेरा पैंदा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहिंदे वेख मरदाने आ, तू इन्हां तों डरदा सी, ये तैथों डरदे ने। आखो सतनाम, डरी आ तेरा
ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੀਏ ਅਵਨੀ ਪਾ ਨਹ ਦਿਸੈ ਜਬ ਜਾਏ ਸਮੀਪਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੂ ਤਿੰਨ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਛੇ ਵਾਰ ਭੇਜੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਏ। ਹੋਏ ਦੂਰ ਜਬ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ ਅਚਰਜ ਹੀ ਕੁਛ ਲਗੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, ਤਿੰਨ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਭੇਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਛੱਲਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸੁਣ ਭੂਪਤ ਮਤ ਹੋਵੇ ਬਿਸਮਾਏ, ਤੈ ਰਾਖਚ ਪੁਨ ਔਰ ਪਠਾਏ। ਸੱਤਵੀਂ ਟੀਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ, ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਧਰ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਅੰਧ ਸਿਧਾਰੇ, ਸਬਤ ਵਾਰ ਇਸ ਰੀਤ ਪਧਾਰੇ। ਸੱਤਾਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਰਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ, ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਖੇ ਝੂਠ ਬੋਲੂ ਦੋ ਬੋਲਣਗੇ ਚਾਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਜੇ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਟਮ ਉਹੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦੇ ਦਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਫਲਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਅਮਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਯਾਦ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਭਾਈ, ਲੋਕ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਰੀਆ ਨਾ ਪਲਟਾ ਵਿਊ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ, ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਤੂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਘਰੋਂ ਪੀਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਗਿਣਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਰਾਕਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ, ਜਿਵੇਂ ਐਮ ਆਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਚਰਜ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜੇ ਮਾਨਾ, ਨਿਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਖੜੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ, ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਬਸ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੁਬਧਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ
फिर मैनू सुभा बदल के जाना पैना। हो सकता साढ़े तो वड्डी पावर हो गए कोई साढ़े तो वध करामात हो पर एको रिजल्ट है जो तक असं नेड़े नहीं जा सकते नतीजे तो किमें जावे भी कौन ने कितों आए ने किमें ने की करना है मोटिव की इन्हों का। राजा कहता फिर तू ने जा पता करके आ ये लोग कौन ने जो मनुखा शरीर में तुरे फिरते ने यह क्या अचरज जाए ना जान्यो सबत बार फिर किसू ना आन्यो। पर ये मुसीबत वड्डी बन गई भी सत बार मैं अपने राक्षा नु भेजिया सारे अन्ने हो गए। राक्ष कहते जी असि अन्ने हो गए ते मंत्री की है ये भी ते राक्षस ही है कड़ा देवता भी इन्हू दिसूगा ओद लड़ पे कहते मंत्री साहब तुम्हें जान का फायदा ही कोई नहीं असी जा आए। सो समा समाप्त है जी इतने नोक झोक हो रही है कौन जाएगा पता करो जिन्हां लई असी मुसीबत बने वो साढ़े लिए मुसीबत बन गए। सतनाम जिंदगी परवाह ना करो असी जिन्हों खतरा समझी जाने हो सकता सानू तो बहुत डेंजर जो समझदा हो जिन्हों असी माड़ा समझते हो सानू अपने लिए किन्ना क माड़ा समझदा होना ये नहीं सोच जिवे जिवे जो कुछ होएगा कल दे दीवाना छाना दबाणांगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे।